हेलो एवरीवन, चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 24, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स में ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का इंडिविजुअली तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किए हुए नंबर ऑफ फैक्टर्स का, राइट। तो आज तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि जब हम किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स में कुछ नंबर्स प्राइम होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं है, जैसे कि वन, ठीक है। कुछ नंबर्स इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। तो हम उन सबको आज अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपसे पूछा गया कि बताओ ऑड फैक्टर्स कितने हैं या इवन फैक्टर्स कितने हैं किसी भी एक नंबर के, तो कैसे पता किया जाए, चलो डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने लिया यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया 48, बहुत छोटे छोटे से नंबर्स में जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे कुछ बड़े नंबर्स लेकर के। तो 48 कैन बी रिटन एज 2^4 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 16 हो गया इंटू क्या 3^1, या नहीं भी लिखो 3/1 नहीं लिखो तब भी चलेगा, राइट। तो ये हो गया मेरा 48। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला सवाल जो हमारा वो है, वो बताना है आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत सिंपल सा था। नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या किया था, प्राइम नंबर्स हैं, हाँ है, पावर जो है इनको प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो। 4+1 कितना हो गया 5, 1+1 कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 10। अगर आपसे सवाल ये पूछा गया होता कि बताओ 48 कोई एक संख्या है जिसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो भाई टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 10 हैं। आप यहां से समझ के देख लेते हैं कौन कौन से इसके 10 फैक्टर। 1 तो होगा ही होगा सब में, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, ठीक है, 16 के बाद फिर आ जाओ आप कितना होगा बोलो 24 होगा, और फिर इसके बाद होगा कितना 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे क्या होंगे, इसके 10 फैक्टर होंगे। ये तो रहा पहला सवाल हमारा। चलिए दूसरे सवाल पे आ जाते हैं सबसे पहले। हाँ, तो दूसरे सवाल में पूछा गया है नंबर ऑफ, अभी था क्या था, फैक्टर्स पूछा गया था, अब पूछ रहा है वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ध्यान रहे, नंबर ऑफ फैक्टर्स में सारे आ गए, प्राइम, कॉम्पोजिट और वन सब कुछ। अभी पूछा उसने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, हाँ भाई, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहां से देखिए कौन कौन से नंबर प्राइम है, एक तो ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, और देखो ये प्राइम है क्या, 4 नहीं, 4 2 से डिवाइड होता है, कॉम्पोजिट है, ये भी नहीं है प्राइम, ये भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 48 के जितने भी फैक्टर हैं, 10 फैक्टर हैं, आउट ऑफ दीज 10 फैक्टर्स केवल और केवल कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 प्राइम फैक्टर हैं। इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, हम समझेंगे इसी तरीके से। तो जब भी आप 48 को 2^4 और 3^1 ये फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो जितने भी प्राइम नंबर्स यहां पे यूज हुए हैं, कि कौन कौन से यूज हुए हैं, 1, 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है, तो जितने यहां पे यूज हो रहे होते हैं वही क्या होते हैं, इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। कितनी बार, 2 यूज हुआ है और 3, यानी कि 2 ही प्राइम फैक्टर यहां पे यूज हुए हैं। चलिए एक बार और समझ के देखते हैं। सपोज मैंने यहां पे लिखा 180, ठीक है, तो 180 का मतलब क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा 2² मल्टीप्लाइड बाई 3² मल्टीप्लाइड बाई 5 या 5^1। अब इसमें बताइए प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने, ये बात नहीं हो रही नंबर ऑफ फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात होती तो इनमें प्लस वन करके मैं क्या कर देता, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देता, नहीं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है 1, 2 और 3 बस। तो जितनी बार ये प्राइम फैक्टर्स यहां पर मैंने लिखे हैं, प्राइम नंबर्स लिखे हैं, वही हैं बस मेरे क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कोई और भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने लिया 72 लिया अगर, ठीक है, तो 72 होगा आपका 2³ मल्टीप्लाइड बाई बोलो 3² कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, 1 और 1 2 है बस, ठीक है। या फिर कोई एक n संख्या है जिसका, जिसको ऐसे लिख सकते हो आप 2^1 3² एंड फिर लिख सकते हो सपोज 5² देन 7² एंड देन सपोज 11³। तो इस n में बताओ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्राइम संख्या है, तो केवल 5 ही है जो यूज की गई है। इसके अलावा अगर मैं कोई संख्या जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, या तो कॉम्पोजिट निकलेगी या फिर क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर्स में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बहुत ईजी है, जितनी बार हम इनको लिख रहे हैं वही क्या है हमारे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। होप दिस इज क्लियर। चलिए दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में हमारे यहां तक आ जानी चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है,
ये तो था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तीसरे क्वेश्चन पे नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, जो हम नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कहां तक बोलो, इन्फिनिटी तक, ठीक। इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था अगर आपको याद हो, कौन कौन से थे बोलो, प्राइम, यहां था कॉम्पोजिट, और कौन था वन। वन को बोला गया था कि वन ना तो प्राइम है हमारा और वन ना ही क्या है हमारा, कॉम्पोजिट है। वन हमारा अलग है, यूनिक नंबर है, इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो वन से बड़ा जो भी नंबर होगा वो या तो प्राइम होगा या क्या होगा, कॉम्पोजिट। जैसे वन से बड़ा टू, तो टू क्या है, प्राइम है। थ्री क्या है, प्राइम है। फोर क्या है, कॉम्पोजिट है। फाइव क्या है, प्राइम है। सिक्स कॉम्पोजिट है। सेवन कैसा है, प्राइम है। एट कैसा है, कॉम्पोजिट। नाइन कैसा, कॉम्पोजिट। टेन कैसा, कॉम्पोजिट। इलेवन नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है, ऐसे समझ लीजिए। तो कोई भी अगर मैं नंबर लूं स्टार्टिंग फ्रॉम वन, तो वन को छोड़ दो, वन ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। वन से बड़ा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, या तो प्राइम होगा या फिर क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए इसी चीज को हम, हालांकि ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे बट ठीक है, थोड़ा सा रिविजन के हिसाब से हमने यहाँ पे समझ ली। तो हमें नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर पूछा है। तो एक बात बताओ, पहले इसमें से देखते हैं टोटल फैक्टर कितने हैं इसके। तो टोटल फैक्टर है, चार को प्लस करो एक से, पांच, और एक में एक जोड़ो कितना हो गया, टोटल फैक्टर हो गए इसके कितने, दस, जो कि मैंने पहले भी लिख रखे हैं यहाँ पे। टोटल फैक्टर है दस। अब टोटल फैक्टर में से अगर मैं प्राइम फैक्टर हटा दूं और वन को भी हटा दूं, देखो टोटल फैक्टर है दस, तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसको भी हटा दूं, इसको क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि ना तो ये प्राइम है ना ही ये क्या है, कॉम्पोजिट है। तो इन तीनों को हटा दूं तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे बोलो, वो होंगे हमारे कॉम्पोजिट फैक्टर, कॉम्पोजिट फैक्टर्स। होप दिस इज क्लियर। तो क्या करना है, जब भी आपसे कॉम्पोजिट फैक्टर्स पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर्स बराबर, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर्स बराबर क्या होगा बोलो, टोटल फैक्टर्स माइनस क्या बोलो, प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऐसा समझते हैं, नंबर ऑफ क्या प्राइम फैक्टर्स माइनस वन। माइनस वन क्यों, क्योंकि ये जो वन है वो हमारा ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, इसलिए इस वन को भी हम क्या करेंगे। तो टोटल फैक्टर कितने थे बोलो, दस। दस में से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, एक और एक दो, माइनस ये वन भी करेंगे क्योंकि ये वन हमारा नहीं है, तो क्या बचा बोलो, सेवन। सात ऐसे फैक्टर हैं 48 के जो कैसे हैं, कॉम्पोजिट है। चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों के साथ फैक्टर कैसे हैं, कॉम्पोजिट है। चले टोटल फैक्टर क्लियर है, पावर जो होती है उनको प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो ये प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तीसरी चीज, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट फैक्टर, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर को हटा दो और किसको हटा दो, वन को हटा दो, जो बचेंगे रिमेनिंग वो क्या होंगे, हमारे कॉम्पोजिट फैक्टर्स होंगे। होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सपोज अगर मुझे कोई इक्वेशन करना है, ठीक है, इसको अभी हम हेल्प में लेंगे, कोई भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। सपोज मैंने लिया एन इज इक्वल टू 2^2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5^4 मल्टीप्लाइड बाई सपोज 7^1। अब इसमें बताओ कॉम्पोजिट फैक्टर्स कितने हैं, कॉम्पोजिट फैक्टर्स हमें पता करने। तो सबसे पहले पता करेंगे हम लोग बोलो क्या, टोटल फैक्टर्स इसके कितने हैं। तो टोटल फैक्टर्स होंगे, इनको सबको प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस वन होगा 3, फिर 3 प्लस वन होगा 4, 4 प्लस वन होगा 5, और 1 प्लस वन होगा कितना, 2। 4 × 3 = 12, 5 × 7 = 60 दूनी कितना बोलो, 120। 120 तो क्या हुआ इसके, टोटल फैक्टर्स की बात हुई, क्वेश्चन नंबर जो वन था हमारा, ठीक। अब पूछा है हमसे कॉम्पोजिट फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बार हमारा प्राइम फैक्टर आया, तो 4 प्राइम फैक्टर हटा देते हैं। और एक वन भी तो होता है, वन तो सबका ही फैक्टर होता है, क्योंकि इस वन को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पोजिट नहीं है। हमसे क्या पूछा है, कॉम्पोजिट फैक्टर कितने हैं, राइट। तो 4 हमने प्राइम फैक्टर हटा दिए और एक वन वो हटा दिया जो ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। इन 5 को हटा दिया, बाकी कितना बचा बोलो, 120 में से 5 जाएगा, 115। तो 115 जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा बोलो, कॉम्पोजिट फैक्टर्स। होप दिस इज क्लियर। आई होप यहां तक चीजें क्लियर।
तो ये तो रहा कॉम्पोजिट फैक्टर्स निकालने का तरीका। अब समझते हैं इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इसी को यूज में लेंगे हम लोग। तो ये बात हो रही थी हमारी 48 की, 48 का था ये, ठीक है। 48 कैन बी रिटन एज कैसे लिखा था हमने, 2 रेज टू पावर कितना था बोलो, 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या था 16 इंटू 3 रेज टू पावर क्या था 1 था, राइट, 48। अच्छा एक बात बताओ, इवन फैक्ट, अब इसके फैक्टर्स देखो कौन कौन से थे। 2 रेज टू पावर 4 के फैक्टर्स थे हमारे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, 2 रेज टू पावर का मतलब 2, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, सॉरी ये हो गया कितना 8, और ये हो गया कितना बोलो 16, ये 16 है। 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8 और 16, है ना। ऐसे ही ये 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 0 का मतलब 1, और ये 3, 3 के दो फैक्टर हो सकते हैं 1 और 3। अब एक बात बताओ आप मुझे, ध्यान रहे कि अगर मुझे कोई भी नंबर इवन बनाना है तो इवन नंबर तभी बनता है जब उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, 2 का, 2 का मल्टीप्लिकेशन या 2 की किसी मल्टीपल का मल्टीप्लिकेशन। मैं ऐसे बोलूं कि 5 × 7 × 11 × 13, हमें पता है ये इवन नंबर नहीं होगा जब तक कि मैं इसमें 2 का या 4 का या 8 का या 6 का या 12 का, 2 के किसी भी गुणांक का अगर मैं इसमें गुणा नहीं करूंगा तो ये मेरा इवन नंबर कभी भी नहीं बनेगा। होप दिस इज क्लियर। तो एक बात बताओ आप मुझे, इसका मतलब 2 है क्या, नहीं, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब 2 है, हाँ है इसका मतलब 2, इसका मतलब 2 है क्या, ये 4 है वैसे लेकिन इसमें 2 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ये 8 है इसमें 2 छुपा हुआ है, ये 16 है इसमें भी 2 छुपा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसके कौन से ऑड फैक्टर्स बताओ कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में तभी निकाल पाऊंगा जब हम इनको इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखें 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इसका मतलब या तो हम ऐसा सोच लें कि इस 2 वाले पार्ट को बिल्कुल काउंट ही नहीं करें, या फिर इनको जितने भी 2 है इनको हटा दें, ठीक है, इसको 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 हटा दो, ये 2 नहीं है, 2 रेज टू पावर 0 क्या है हमारा, ये 1 है, राइट। तो अगर आपसे कभी भी देखो शॉर्टकट मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो ऐसा करेंगे इस 2 वाले पार्ट को हम कभी काउंट नहीं करेंगे, फिर क्या बचा, 1+1 बचा हमारा, तो हमारे कितने आ जाएंगे इसके ऑड फैक्टर्स, केवल 2 ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते थे इसको प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है 2 वाले को, इसमें प्लस 1 करेंगे इसके आगे कुछ हमारा है ही, ठीक है, तो केवल और केवल 2 ही रह जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे कौन कौन से, 1 ये हो गया ऑड फैक्टर, और एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 और 3, इसके अलावा कोई भी ऑड फैक्टर है नहीं है, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे समझ के फिर से देखते हैं इन चीजों को, हमें क्या करना है जब भी और फैक्टर्स को देखना है तो सिंपल सा आप ऐसे समझ लो इस वाले पार्ट को हम इवन वाले पार्ट को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर किसी भी फैक्टर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ या 4 का या 8 का या 16 का तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, और हमें इवन नहीं बनाना, हमें और फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम इनको लेंगे ही नहीं, हम केवल किसको लेंगे, 2 रेज टू पावर 0 को, 2 रेज टू पावर 0 मतलब 1, अब यहां पे इस पूरे ब्रैकेट में केवल 1 बचेगा, तो उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में 1 है, अब देखो यहां पे 1 है मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 यहां पे कितने हैं 2 है, तो 2 ही आएगा, अब इसको नहीं भी लिखता तब भी क्या आता, 2 ही आता, ठीक है। तो ऐसे समझ लो इसको मुझे अब लिखना ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन समझते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने सपोज कोई भी एक नंबर लिया n जिसकी वैल्यू है 2 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, चलो इतनी, ठीक है। अब पूछा है आपसे बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, बड़े ध्यान से समझना चीजों को, और फैक्टर्स की बात पूछिए, इवन नंबर, इवन फैक्टर्स नहीं, इसका मतलब इस वाले पार्ट को आप भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, ये समझ लो है ही नहीं, ठीक है, ये समझ लो है ही नहीं, ठीक है। बाकी पार्ट जैसा हम सॉल्व कर रहे थे वैसे करेंगे, प्लस 1 करके और इसमें भी प्लस 1 करके आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे बोलो, 4+1 और 3+1 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5 और 5 × 4 कितना हो जाएगा बोलो 20। तो इस संख्या में 20 ऐसे नंबर होंगे जो कैसे होंगे, ऑड होंगे, या इस संख्या के 20 ऐसे फैक्टर होंगे जो कैसे होंगे, ऑड होंगे। अच्छा टोटल फैक्टर कितने, अब इवन फैक्टर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे बोलो, तो दो तरीके हैं हमारे पास यहां पर इवन फैक्टर को निकालने के लिए। सबसे पहले निकालते हैं टोटल फैक्टर कितने, ये तो हो गए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, अब निकालते हैं देखो हम टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, ठीक है। टोटल फैक्टर्स का दो तरीका, वो ये सब में प्लस 1 करके आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 और 1 कितना हो गया 8,
चार और एक पांच, तीन और एक चार, आठ पंचे चालीस, चालीस इंटू चार कितने 160, ये हो गया टोटल फैक्टर। अब एक बात बताओ, टोटल फैक्टर है 160, जो भी फैक्टर हैं या जो भी नंबर है या तो वो इवन होंगे या फिर क्या होंगे ऑड होंगे। अब टोटल फैक्टर में से अगर मैं और फैक्टर्स माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर्स जो बचेंगे हमारे, इवन फैक्टर्स जो बचेंगे वो टोटल माइनस ऑड फैक्टर कितने हो गए बोलो 140। तो ये तो तरीका हुआ निकालने का कि ऑड फैक्टर्स कैसे निकाले जाए। ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए सिंपल सा, दो को दो वाले जो भी उसको छोड़ देना। अगर दो है ही नहीं हमारा किसी सवाल में तो इसका मतलब उसके जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, फिर मेरे ऑड फैक्टर्स ही होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक नंबर लिया n, 3 raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to power 1। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि बताओ भाई इस संख्या के ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो इसमें 2 तो है ही नहीं, तो जितने भी फैक्टर्स होंगे इसके वो सारे के सारे क्या होंगे बोलो ऑड फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब मुझे इसके टोटल फैक्टर ही निकालना है। तो 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6 और 1 + 2 कितना बोलो 2, 6 × 24 दूनी कितना हो गया बोलो 48। यानी कि मैं कह सकता हूं कि n के 48 फैक्टर हैं, 6 × 12 = 48, n के 48 फैक्टर हैं और 48 के 48 फैक्टर कैसे हैं ऑड फैक्टर्स हैं, एक भी इवन फैक्टर इसका नहीं है। ठीक है, और जहां पे 2 होगा इन्वॉल्व हमें ऑड फैक्टर निकालने, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, बाकी को हम जैसे कर रहे थे प्लस 1 करके आपस में मल्टीप्लाई वैसे ही करते चलेंगे। होप दिस इज क्लियर। चले तो ये तो एक तरीका था इवन फैक्टर निकालने का कि हम टोटल फैक्टर निकाल के उसमें से ऑड फैक्टर को क्या करें माइनस कर दें। लेकिन इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है अपनी कैलकुलेशन को। सपोज मैंने कोई बोला एक नंबर है 2 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to power 1। अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अच्छा टोटल फैक्टर्स में हम लोग क्या करते थे, ध्यान रहे आपको ये जो पावर होती थी 4 + 1 ये थी हमारी 2 + 1 और ये क्या करते थे बोलो 1 + 1। अगर निकालना होता तो हमें नंबर ऑफ इवन नहीं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालना होता था तो जितनी भी पावर होती थी सब में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अगर हमें केवल इवन फैक्टर्स निकालना है तो हम ये जो 4 + 1 कर रहे होंगे 2 की पावर वाला, 2 की जो पावर है बस उसको एज इट इज लिखेंगे, वो प्लस 1 नहीं करेंगे। इतना समझ लीजिए आप अभी यहां पे कि हम जो 4 में प्लस 1 कर रहे थे वो नहीं करेंगे, बाकी सब में करेंगे हम प्लस 1, केवल इसमें हम वो प्लस 1 नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे उसको समझते हैं। तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 और 2 2 हो गया और 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो गया बोलो 24। तो इस संख्या के इवन फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 24 आ रहे होंगे। होप दिस इज क्लियर। अगर टोटल फैक्टर की बात की जाए तो ये हो गया 4 और 1 = 5, 5 और 3 = 15, 15 दूनी 30, सब में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई किया है तो 5 + 3 = 15 और 15 दूनी कितना, तो टोटल फैक्टर हो गए हमारे 30 जबकि इवन फैक्टर हो गए हमारे 24, तो ऑड फैक्टर कितने बचे हमारे 30 - 24 = 6। अब हाँ पॉइंट आता है हमारा कि हम यहाँ पे प्लस 1 क्यों नहीं कर रहे, तो समझ के देखते हैं कि ये 2 raised to power जो 4 है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व था, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 और 2 raised to power 4। देखो अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है इनमें, कोई जरूरत नहीं है जाने की, आप बस सिंपल सी ये चीजें याद रखो, आपका डायरेक्टली आंसर आ रहा होगा। हाँ समझना चाहते तो इन चीजों को समझ लें, वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस 2 raised to power 1 का जो मतलब है, 2 raised to power 0 का उसका मतलब होता है 1। अब एक बात बताओ, यहां पे सपोज 3 raised to power 0 है, 3 raised to power 1 है और 3 raised to power 2, ये सारे नंबर्स कैसे हैं बोलो मेरे ऑड नंबर्स हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इवन है। अब इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा। लेकिन ये नंबर कैसा है मेरा 2 raised to power 0 जिसका मतलब है 1, 2 raised to power 0 या जो 1 नंबर है मेरा वो कैसा नंबर है मेरा ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर को अगर मैं ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा ना कि इवन आएगा। और मुझे अगर पता करने हैं इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को हटा के बाकी जितने पेयर बन सकते हैं उनको तलाशना है इवन फैक्टर। इसका मतलब मैं यहां पर जो 5 पावर लेने वाला था 4 + 1, प्लस 1 हम किसका करते थे 0 वाली पावर का, ये डिस्कस कर चुके हम लोग। तो हमें इस प्लस 1 को नहीं करना है क्योंकि ये हमारा 1 है, हमें केवल और केवल इसकी क्या लेनी है, इवन इवन नंबर्स लेने हैं। और इवन नंबर्स हमारे कितने फैक्टर्स यहां पे 4 ही है।
होप दिस इज क्लियर। तो अगर हम कभी भी इवन फैक्टर्स निकाल रहे होंगे तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 2^2 पावर है, 2 की जो भी पावर है उसमें हम जो प्लस 1 कर रहे थे वो हम प्लस 1 नहीं करेंगे। चले अब एक बार एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे सारी चीजें हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन लिया n इज इक्वल टू 2^3, 3^2, 5 का स्क्वायर एंड 7^1। सपोज ये कोई नंबर है, चार पांच सवालें करेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे हमें यहाँ पे कि टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। सबको बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर है सब में प्लस वन करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस वन करके, 3 और 1 कितना होगा 4, 2 और 1 कितना होगा 3, इसमें भी 2 और 1 कितना होगा 3, और 1 और 1 कितना होगा 2, 4 3 12 3 36, 2 कितना हो गया 72। ये तो हुआ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरी चीज प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो भाई प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं बोलो, 4 हैं, 1 2 3, जितने यहां पे यूज हो रहे होते हैं वही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तीसरा कॉम्पोजिट फैक्टर्स कितने हैं, कॉम्पोजिट फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट फैक्टर्स के लिए क्या बोला गया था, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर हटा दो और 1 को हटा दो। तो टोटल फैक्टर है 72, 72 में से 4 प्राइम फैक्टर हटा दो और 1 1 को हटा दो। 1 को क्यों हटाते हैं, ना तो वो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। 72 - 5 कितना हो गया बोलो, 67। तो 67 कैसे फैक्टर्स हैं, कॉम्पोजिट फैक्टर। चौथा क्या करना है बोलो, ऑड फैक्टर्स पता करने में, ऑड फैक्टर्स। ठीक, ऑड फैक्टर्स अगर हमें इसके पता करने हैं तो क्या बोला गया था, ऑड फैक्टर्स पता करने, 2 वाले पार्ट को आप लो नहीं और बाकी जैसा इसमें सॉल्व करते थे कर दो, +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3 और 1 + 1 = 2। तो 3 × 3 × 2, 3 × 9 = 18 कितना, 18। ऑड फैक्टर कितने हो गए हमारे, 18। अगर पूछा जाता है यहीं पर हमसे कि बताओ भाई इवन फैक्टर्स कितने होंगे इसके, तो इवन फैक्टर हम यहीं से निकाल सकते थे कैसे, टोटल फैक्टर माइनस क्या बोलो, ऑड फैक्टर। तो 72 माइनस, तो इवन फैक्टर 72 - 18 कितना हो गया बोलो, 54। हालांकि इसका दूसरा तरीका भी हमने देखा था इवन फैक्टर निकालने का, वो क्या बोला था कि जो पावर है 3, 2 की पावर, इसको हम हर बार यहां पे जो +1 + 1 करते थे वो चीजें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे केवल बाकी में करेंगे। तो 2^2 जो है उसको एज इट इज रखते हैं, 3 का 3, इसमें +1 + 1, इसमें तीनों में +1 होगा, तो 2 + 1 कितना होगा 3, फिर से 2 + 1 = 3 होगा और इस 1 + 1 को कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 * 9 = 27, 2 कितना होगा बोलो, 54। तो आपके पास इवन फैक्टर निकालने के दो तरीके हो गए, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, या फिर ये वाला तरीका जिसमें आप 2^2 जो पावर है इस पावर में प्लस वन आप नहीं करेंगे, केवल इसमें प्लस वन नहीं करेंगे बाकी सब में कर रहे होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, चाहे वो टोटल फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स हो, कॉम्पोजिट फैक्टर्स हो, इवन फैक्टर्स हो, या फिर ऑड फैक्टर्स के बारे में हो, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक और वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के डिस्कस कर लेंगे। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड प्लीज आप लोग इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखिए और इसके प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाऊं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।